आराम से भैया। ऑफर चार्जिंग क्या गया था? खाने का भैया। कितना लिया गया था? 130 रुपए। देखो मेरी सीट पे पूरा लगेज रख दिया भाई। यहाँ टीटी सर भी चाय बेच रहे हैं। देखिए भाई क्या गजब है भाई। हाल है एंड ये पनीर है। ये देखो एक और ट्रेन को ओवरटेक, लगातार दो ट्रेनों को ओवरटेक। ये लो दोस्तों आ गए हमारी गंडक नदी। मिल जाएगा ना इसका? नहीं भैया नहीं मिलेगा। क्यों? अभी अपडेट ही नहीं किया। सो गाइस स्वागत है आप सभी का एक नई ट्रेन यात्रा में। और आज हम सफर करेंगे आम जनता की वंदे साधारण एक्सप्रेस में। जी हाँ दोस्तों, वंदे भारत तो चली थी लेकिन गवर्नमेंट ने वंदे साधारण भी चला ली, जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो। अभी हमें आनंद विहार में, और चलिए आज के सफर को शुरू करते हैं हम आनंद विहार से भाई। और ये जो ट्रेन है ये 30 दिसंबर को चलाई गई थी 2023 में, और अभी 2024 में हम सफर कर रहे हैं। हाँ तो चलिए दोस्तों आज के सफर को शुरू करते हैं हम आनंद विहार से। सो भाई ये देखो बंदा कोई दारू पी के, अरे भाई पीछे से आ, उधर से आओ, उधर से रेलवे से आ भाई हम। हाँ बाकी दोस्तों ये रहा हमारी आज की अमृत भारत का लोकोमोटिव, जो कि बहुत ही नई टेक्नोलॉजी के साथ बनाया गया था। और इस इंजन की खास बात ये है कि ये स्पेशल इसी ट्रेन के लिए बनाया गया है। सो दोस्तों आज की अगर अपनी आनंद विहार दरभंगा अमृत भारत एक्सप्रेस की टाइमिंग की बात करें तो ये ट्रेन वीक में 2 दिन चलती है, मंगलवार और शुक्रवार को चलने का टाइम रहता है इसका। दोपहर को 3:10 पे ये आनंद विहार से निकलती है। 1137 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद दूसरे दिन 11:45 पे आपको दरभंगा पहुंचाती है भाई। काफी सुपरफास्ट ट्रेन कह सकते हो ये आम जनता यानी कि आम गरीब लोगों के लिए भाई। भाई इस अमृत भारत की एक खास बात है, ये सिर्फ गरीबों के लिए बनाई गई है। जैसे वंदे भारत थी वैसे ये बनाई गई है। फैसिलिटीज भी इसमें भरपूर है, और जो इसमें रैक्स लगाए गए हैं वो 12 इसमें स्लीपर के रैक्स हैं और 8 इसमें जनरल के रैक्स हैं। कोई भी एसी का रैक नहीं इसमें लगाया गया है। और दोस्तों आज ये ट्रेन रीशेड्यूल है, अभी इसकी साफ सफाई हो रही है। देखिए कितना ज़्यादा कचरा है इसमें, अभी इसकी साफ सफाई हो रही है। जो इसका टाइम था वो 3:10 पे था लेकिन आज 5 निकलेगी, 2 रीशेड्यूल है। आज की जो हमारी यात्रा होने वाली है वो इस ट्रेन के स्लीपर क्लास में होने वाली है। S11 हमारा कोच है, बर्थ है हमारी 48। सो ऐसा कुछ इंटीरियर है हमारी हेलो अमृत भारत का। देखिए ना पूरी पैक हो चुकी है भाई आनंद विहार से अपनी अमृत भारत। और भाई ये हमारी बर्थ साइड अपर। ये वाला ले लीजिए भाई। ये सामान किसका है यार? आपका क्या? हाँ मेरा बीच वाला, इस तरह ले लीजिए मेरा दो बच्चे। बाकी देखो मेरी सीट पे पूरा लगेज रख दिया भाई। ये क्या टीटी सर भी चाय बेच रहे हैं क्या आज? हाँ सर। भाई ऐसे आपने देखा होगा कि टीटी सर टिकटे चेक करते हैं, यहाँ टीटी सर भी चाय बेच रहे हैं। देखिए भाई क्या गजब है भाई, सलूट है भाई यार, सलूट है। देखिए अपनी ट्रेन निकल चुकी है और ये देखिए लोग कैसे भाई कुछ भी हो जाए यार, चलती ट्रेन में चढ़ने वाले कभी नहीं सुधरेंगे भाई। अभी जान से खेल के लेडी को ऊपर चढ़ाया भाई ट्रेन में। और देखिए पूरे 5 डिपार्ट कर दिया अपनी अमृत भारत ने आनंद विहार टर्मिनल से। वैसे इसका टाइम था वो 3:10 पे था और मैंने आपको बताया कि रीशेड्यूल है ये 2। और ये देखो भाई इस ट्रेन में ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा, जब प्लेटफॉर्म से ट्रेन निकल जाएगी तो लोग कुछ इस तरह से चढ़ते हैं इसमें। आराम से भैया। हाँ इस तरीके से चढ़ते हैं। ये ऐसे क्यों चढ़ते हो भैया इसमें? ये देखो भाई गाजियाबाद स्किप। ये देखो ओवरटेक मार दिया भाई, जलंधर इंटरसिटी को ओवरटेक बढ़ गया भाई। देखो ये है भाई वंदे साधारण। देखिए अपनी वंदे साधारण की पावर अब आई है असली रूप में भाई। देखो ये देखो एक और ट्रेन को ओवरटेक, लगातार 2 को ओवरटेक। ये भी भाई अंबाला इंटरसिटी।
तो दोस्तों अभी हमारी ट्रेन चली होती है और हमारी ट्रेन की हो जाती है सीट खराब। जी हाँ भाई, जो इसका नीचे का वो कवर होता है ना, ये खराब हो जाता है और इनको चक्कर चढ़ जाता है क्योंकि पैसेंजर भाई कंप्लेन कर देते हैं। और देखिए अभी देखिए पेचकस लेके कैसे खोलना शुरू कर चुके हैं सीट को। भाई देखो ये क्या हो गया भाई, खराब हो गया काम भाई आज। क्या खाने में? वेज थाली है भैया। कितने की? 130। लिख लो 48 नंबर। ये किसी ने तोड़ दिया है ना, नटी किसी ने तोड़ दी है इसको। उसको बोले हैं तो हम लोग ऐसा ना एडजस्ट कर लेते, पीछे पड़ जाएगा। वो नहीं आया है अब, नहीं पड़ा इसको बोल के। तो देखिए भाई सीट को खोल के ही ले गए भाई, अब क्या कर सकते हैं भाई, ये टूट गया था ना इसलिए इसको खोल के ही ले गए। तो भाई टाइम हो रहा है लगभग 6:30 और आनंद विहार से लगभग 118 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने पहले होल्ट पे, जो अपना अलीगढ़ जंक्शन ALJN इसका स्टेशन कोड है। 10 मिनट का होल्ट है और राइट टाइम पे चल रही है क्योंकि ये 5 बजे चली थी और 5 बजे के हिसाब से देखें तो लगभग 7 मिनट बिफोर चल रही है ये। पानी दे दो, ये दे दो भैया। 2 मिनट का होल्ट था हमारी ट्रेन का अलीगढ़ जंक्शन पे और निकल चुकी है अपनी ट्रेन अभी अलीगढ़ जंक्शन से। और भाई जो इसका एक्सेलरेशन है ना बहुत ही फास्ट है, मतलब पैर पे उठ जाती है भाई ये ट्रेन यार, एकदम वंदे भारत की तरह इसका एक्सेलरेशन है। तो भाई ये मत रहना कि नीचे आप कुछ ले रहे हो और ये धीरे धीरे चलेगी, एकदम से निकल जाती है भाई, पता भी नहीं चलता। खाओ भाई, खा लो यार, खा लो थोड़ी सी पेटी। खाओ भाई, खाओ एंजॉय। लिए एम्बर ही है भाई, सही है। और अभी हमने खाने का ऑर्डर भी दे दिया है ट्रेन में, 130 रुपये के बोल रहे हैं, अब देखते हैं क्या प्राइस लगाते हैं भाई। और भाई इस ट्रेन में फीचर बहुत हैं, ये देखिए 1 घंटा और 51 मिनट की देरी से चल रही है, सामने डिस्प्ले पे दिखाता है। ये देखिए नेक्स्ट हॉल्टिंग जो इसका स्टेशन है वो टुंडला है, देखिए 75 किलोमीटर रह गया भाई। और भाई बंदे को बोला था मेरा सामान हटवा दे सीट से, लेकिन हटाया ही नहीं भाई। अब देखो एक साइड पे कोने में बैठा हूँ, चलो रात होती है तो फिर करते हैं। खाना बिल मिल जाएगा ना इसका? नहीं भैया नहीं मिलेगा। क्यों? अभी अपडेट ही नहीं किया है, मशीन दिए हैं देख रहे हैं वो आना ही नहीं हो रही है। फोन किए दरभंगा आओ तो उसको करते हैं। हाँ भैया, कितने झूठे हैं यार, कितना बढ़िया बहाना लगाया है इन्होंने। इसमें स्टैंडर्ड वाइज नहीं मिलता भैया, स्टैंडर्ड वाइज नहीं मिलता इसमें, स्टैंडर्ड वेज नहीं है इसमें प्लेट, स्टैंडर्ड वेज नहीं, वो वाला नहीं, एक सब्जी वाला 80 रुपए वाला ना। हाँ 80 रुपए, एक सब्जी नहीं दो सब्जी होती है उसमें। हाँ 80 रुपए वाला नहीं। सो भाई ये आ गया हमारा रात का डिनर, डिनर में ये रोटी दी है इन्होंने एंड ये हमारी कुछ प्लेट है, बाकी मैंने इनको बोला कि स्टैंडर्ड वेज चाहिए तो बोलते है ही नहीं। और बिल इनकी मशीन, बिल वाली मशीन होती है ना, वो बहाना लगा दिया इन्होंने खराब है। क्यों नहीं दिया दही? दही नहीं है भैया, दही गर्मी में चलेगा, दही हाँ गर्मी में चलेगा दही। अच्छा तो इसको खा लेते हैं अभी, कैसा है कैसा नहीं है रिव्यू कर लेते हैं। बाकी ये दाल है एंड ये पनीर है, पनीर में दो ही पनीर है, चलो पनीर टेस्ट करते हैं सबसे पहले। पनीर ठीक ठाक है, ये दाल आ गई, दाल भी ठीक ठाक है एंड ये आ गई इनकी सब्जी, आलू की सब्जी है। खाना तो ओवरऑल ठीक ठाक है, रेटिंग दूंगा 10 में से 7 और 130 का खाना नहीं है भाई ये। बाकी ये रोटी भी इन्होंने 3 ही दी है, बट रोटी अच्छी लग रही है। देना है केक? देना। कितने का है? 40 का भेज है। सुबह खाना तो हमने खा लिया है और खाने में मिठाई वगैरह कुछ नहीं थी भाई, तो हमें मिर्च लग रही है मिर्च, तो अभी हमने लिया भाई केक। ये मुंह पूरा जल रहा है भाई क्योंकि छाला पड़ गया मुंह में मुझे लगता है। सो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है भाई टुंडला, हंडी भैया समोसे भेज। कितने के समोसे भैया?
बीस के तीन समोसे बेच रहे हैं। हमने खाना खा लिया, हम नहीं खाएंगे अभी समोसे। नहीं नहीं आप ले आओ ना मेनू ले आओ। तो भाई जो इन्होंने मुझे ओवर प्राइस दिया ना खाना, इनको चढ़ गया चक्कर। मैंने कर दी कंप्लेन, अब ये दूसरी बार आ गया मेरे पास, बोलता किसने दिया, फिर बोलता मैं दिखाता हूँ मेनू। मैंने बोला दिखा भाई, मेरे को मेरी आंख लग गई थी। अच्छा तो दोस्तों आनंद विहार से लगभग 289 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृत भारत एक्सप्रेस ने कवर कर लिया भाई, और पहुँच चुकी थी ETW इटावा में, जो कि इस ट्रेन का तीसरा ऑफिशियल होल्ट था। टुंडला हमने स्किप कर दिया था, आपको बताया था। बाकी इटावा जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 2 मिनट का होल्ट था और 2.5 घंटा लेट हो गई है भाई। फिर से धीरे धीरे चल रही है अपनी अमृत भारत। और खाने का क्या सीन हो गया कि खाना उन्होंने मुझे दिया, मैंने इनको बोला कि भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए ना, बोलते बिल नहीं है। तो मैंने बोला ठीक है तुम्हारे पास बिल नहीं है, तो बोलते मशीन ख़राब हो गई है। मुझे पता था झूठ बोल रहे हैं, तो मैंने बोला कि भाई वो करो मशीन ख़राब है तो मुझे मेनू दिखा दो बस। तो नहीं दिखाया भाई, इन्होंने लापरवाही ली, मैंने कर दी कंप्लेन। तो फिर उसके बाद मैं सो गया, मेरे को आँख लग गई थी भाई, थका था सुबह से मैं, तो आँख लग गई थी। उठाया भैया ने मुझे, बोलता कौन खाना दे गया। मैंने बोला ये वीडियो दिखाई मैंने कि ये बंदा दे गया। तो उसके बाद बोलता भैया यार कंप्लेन वापस ले लो। मैंने बोला मैं कंप्लेन वापस लूँगा, मुझे पहले मेनू दिखाओ, आपकी मशीन ख़राब हो गई है मेनू दिखाओ, जहाँ पे लिखा है 130 की थाली है। उसके बाद भाई अभी गया है बंदा, अभी देखते हैं क्या बोलता है। बुला रहा था मुझे कि साथ चलो, मैंने बोला मैं क्यों चलूँ साथ में भाई, जो बात करनी है सीट पे कर। सो ये देखिए भाई, देखिए रात का व्यू, रात की जर्नी, काफ़ी मज़ा आ रहा है भाई। देखो भाई बाहर बहुत ज़्यादा ठंड है, अभी गेट कर लेते हैं बंद और चलते हैं अंदर, क्योंकि ट्रेन पैक हो गई है पूरी। 40 नंबर आप हैं भैया? हाँ जी, 40 नंबर। हाँ क्या चीज़ पे आपसे ओवर चार्जिंग किया गया था? खाने का भैया। कितना लिया गया था? 130 रुपये। 130? हाँ नहीं मैंने इनको बोला कि मेरे को मेनू दिखा दो अपना बस, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जितने मर्जी का 500 का बेचो, लेकिन मेरे को मेनू दिखा दो बस। मैंने कुछ भी नहीं बोला इनको, मैंने ठीक है। ये बोलते हैं हमारी मशीन खराब हो गई है, मैंने बोला भाई मेनू दिखा दो मुझे मशीन खराब हो गई है ना, इसलिए थोड़ा भी दिक्कत हो रहा है। हाँ हाँ कोई चक्कर नहीं, मैंने इनको बोला मेरा मुझे मेनू दिखा दो। देखो भाई चोर की दाढ़ी में तिनका, देखो कैसे वापिस दे रहा है पैसे जो इसने एक्स्ट्रा लिए थे इसके बंदे ने। ओवर प्राइस था क्या वो? ओवर प्राइस। क्या करना है इसमें? इस पे व्हाट्सअप पे जाइए। हाँ हाँ माई प्रॉब्लम सॉल्व लिख के हाँ हमको व्हाट्सअप कर दीजिए। बहुत बढ़िया रखे हुए हैं भैया। हाँ उड़ने वाला बहुत है यार, स्लीपिंग बैग है। वैसे ओवर प्राइस क्यों बेचते हो यार, ऐसा मत किया करो ना यार, पूरी ट्रेन में साला ओवर प्राइस बेचते हो। क्या हुआ भैया? थे कोई बंदा कुछ अथी कर दिया भाई, ओवर प्राइस खाना बेच रहे थे यार। वो अंकल कहाँ गए? अंकल जी हाँ भैया, यार ओवर प्राइस बेच रहे थे आप खाना। भैया वो मैनेजर है, उनके पास सर्वाधिकार। नहीं 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 मेरे पास, आप ओवर प्राइस भेज रहे, ये पैसे वापस देंगे ना? हाँ ये पैसे वापस देंगे, तो वो वापस किया है ना। हाँ मत बेचा करो यार। सुबह ये देखो 50 रुपए देंगे वापस। आपको पहले बोला था कि ये ऐसे लूटने का ढंग बना रहे थे, रात को बहाने मार रहे थे कि हमारी मशीन खराब है ये, अब बोल के गए कि भैया कोई प्रॉब्लम होगी तो हमें कॉल कर लेना। तो दोस्तों सोने का टाइम था और मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। जी हाँ रात के 10:02 हो चुके हैं और 428 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृत भारत ने कवर कर लिया है भाई दिल्ली से, और पहुँच चुकी है अपने चौथे ऑफिशियल होल्ट पे, जो अपना कानपुर सेंट्रल, CNV कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है। और ये देखिए सभी लोग सो चुके हैं भाई, मैं अकेला ही हूँ जो बंदा ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बाकी जो लोग चढ़ने उतरने वाले हैं वही जागे हैं। बाकी कानपुर सेंट्रल मैंने इतना सुनसान आज से पहले कभी नहीं देखा भाई, देखिए पूरा प्लेटफॉर्म खाली है भाई। और कानपुर सेंट्रल पे हमारी ट्रेन का लगभग 5 मिनट का हॉल्ट है, और ये ट्रेन सही समय पे चल रही है, रीशेड्यूल नहीं होती तो सही समय पे ही होती। कानपुर सेंट्रल का स्टेशन कोड है CNV, और आपको पता ही है भाई कानपुर जाना जाता है लेदर सिटी ऑफ द वर्ल्ड और मैनचेस्टर ऑफ द नॉर्थ इंडिया के नाम से, एंड काफ़ी बड़ी सिटी अपनी कानपुर। तो दोस्तों देखिए
5 मिनट के होल्ड के बाद अपनी ट्रेन निकल चुकी है भाई कानपुर सेंट्रल से। देखिए कानपुर सेंट्रल से डिपार्चर। देखिए भाई अपनी रात की रानी अमृत भारत किस तरह से जा रही है भाई अच्छी खासी रफ्तार पकड़ने के लिए। और यहाँ कानपुर में फॉग बिल्कुल भी नहीं है भाई। और सामने देखिए एक काफी प्यारा लग रहा है भाई रात को मंदिर यार एकदम डेकोरेट हुआ है। देखो सुबह देखिए रात काफी ज्यादा हो चुकी है एंड इधर सारे भाई अपने सो चुके हैं और लाइट वगैरह बंद हो गई है। और अभी हम भी जा रहे हैं सीधा सोने के लिए सीधा आपको सुबह मिलते हैं ठीक है गुड नाइट। तो भाई गुड मॉर्निंग आज हमारा दूसरा दिन है भाई अमृत भारत में। और भाई इतनी तेज़ है ना कसम से एक भी मिनट लेट नहीं होती है ये गाड़ी। 2 घंटे बाद रीशेड्यूल चली थी वही टाइम से चल रही है भाई। अभी गोरखपुर भी पार कर चुकी है अभी ये बघा आने वाला है और जो गंडक नदी है वो आएगी अभी गंडक नदी दिखाते हैं आपको। बीच में देखिए पुलिस वाले भी पूरी चेकिंग कर रहे हैं एंड ट्रेन थोड़ी बहुत खाली भी हो चुकी है। देखो देखो भाई बाहर जो कोहरा पड़ा हुआ है लेकिन अपनी अमृत भारत कोहरे को चीरती हुई जा रही है भाई। देखो आगे कुछ नहीं दिख रहा है लेकिन फिर भी ठीक ठाक स्पीड से चल रही है अपनी अमृत भारत कोहरे को चीरती हुई। देखिए अमृत भारत। और दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा मैं गंडक नदी जिसको नारायणी के नाम से भी जाना जाता है एंड इस नदी की लेंथ 814 किलोमीटर है जो कि नेपाल के लुपाइन ग्लेशियर से निकलती है एंड बिहार के सोनपुर में गिर जाती है अपनी गंडक नदी। ये लो दोस्तों आ गए हमारी गंडक नदी। और भाई कोहरे से कुछ नहीं दिख रहा है भाई धुंध इतनी ज़्यादा है कि गंडक नदी भी एकदम ग्लेशियर बन चुकी है भाई। देखो इंडिया की मेजर नदी है ये गंडक जो कि एक सहायक नदी है गंगा की सोनपुर के बिहार में जाके मिल जाती है भाई बिहार के सोनपुर में बोल रहा हूँ क्या बोल रही है। देखिए गंडक आई होप कि आपको थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी लेकिन भाई मौसम ही बड़ा खराब है यार। चलिए आपको पता है कि कल की ट्रेन चली हुई है अभी इसका वॉशरूम देख लेते हैं इनके जो फीचर्स है ना वो बहुत ही बढ़िया दिए गए हैं इन्होंने नए नए अंदर। बाकी देखिए यहाँ पे सीसीटीवी कैमरा दिया गया यहाँ से फुट ऑपरेटिंग नल दिया गया लेकिन नल की हालत देखो कैसी कर दी है भाई वॉश बेसन देखो गुटका खा कैसा कर दिया है और मिरर भाई देखने लायक नहीं छोड़ा इतना गंदा कर दिया। बाकी चलो वॉशरूम रिव्यू कर लेते हैं। और ये कपलिंग भी एकदम नई है देखो कितनी बढ़िया लग रही है। चलो अंदर चलते हैं अभी देख लेते हैं वॉशरूम कैसा है साफ सफाई। तो जैसे मैं वॉशरूम के अंदर आता हूँ ना तो यहाँ पे आपको फ्रेशनर मिलता है यहाँ पे आपको एग्जॉस्टर मिलता है यहाँ पे आपको ये देखो लिक्विड सोप भी है लेकिन इसमें है नहीं। और भाई सीरियसली फर्स्ट टाइम ऐसी कोई ट्रेन देखी जिसमें स्लीपर क्लास में भी आपको लिक्विड सोप मिलता है लेकिन है नहीं वो दूसरी बात है लेकिन यहाँ पॉइंट दिया गया है। बाकी ये फुट ऑपरेटिंग यहाँ पे भी नल मिलता है एंड ये देखो वॉश बेसन क्लीन है। बाकी ट्रेन की साफ सफाई की बात करें तो ठीक ठाक है भाई कल की ट्रेन चली है लेकिन ठीक ठाक है। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग अगेन एंड टाइम हो रहा है सुबह के 8:55 यानी कि 9 बज रहे हैं और दिल्ली से लगभग 905 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृत भारत ने कवर कर लिया है भाई। और गंगा गंडक नदी के पार एक स्टेशन पड़ता है छोटा सा बघा जो कि इसका 11वां स्टॉप है वहाँ पे पहुँच चुकी है। बाकी यहाँ पे ट्रेन का 2 ही मिनट का हॉल्ट है और सही समय पे ही चल रही है एक टाइप की ये ट्रेन देखिए। और देखिए होंक हो चुका है एंड भाई देखो अंगड़ाई ले रहे हो भाई। और देखो हमारी ट्रेन का डिपार्चर और अब ये गाड़ी नरकटियागंज होते हुए डायरेक्ट रक्सौल को निकल जाएगी सुगोली बेतिया ये सब स्टेशन पे नहीं जाएगी ये ट्रेन। देना भैया चाय देना।
और रक्सौल जंक्शन पे हमारी ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है और ये ट्रेन यहाँ पे लगभग 2 घंटा और 50 मिनट की देरी से आई है। 2 घंटा तो रीशेड्यूल थी लेकिन 50 मिनट और ज़्यादा लेट हो गई है। और दोस्तों एक और आपको चीज़ बता दूँ, ये जो ट्रेन है ना ये इकलौती ऐसी ट्रेन है बिहार जाने वाली जो कि 1 घंटे से कम समय लेट है। बाकी जितनी भी ट्रेनें हैं ना सारी की सारी कोई 4 घंटा लेट है, कोई 10 घंटा लेट है, कोई 8 घंटा लेट है। मैंने सभी का शेड्यूल अभी चेक किया है, सभी ट्रेनें लेट है भाई। तो अमृत भारत को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है भाई इस रूट पे हो जहाँ अमृत भारत भाई स्पेशल, इसको फुल प्रायोरिटी दी जा रही है। बाकी रक्सौल से कुछ खाने के लिए लेते हैं, ये पेड़े लेते हैं। बाकी रक्सौल से ये पेड़े लिए थे, यार ये चाय ली है। बाकी जो ये पेड़े लिए हैं थोड़ी सी चीनी उन्होंने ज़्यादा मिला दी है, चाय भी अच्छी है भाई। और निकल चुके अपनी ट्रेन रक्सौल से, और बंदा देखो भाई कैसे जंप किया यार बंदे ने चलती ट्रेन से, कंबल वगैरह लेके देखिए। और ये अपना रक्सौल, इंडिया से जो नेपाल रास्ता जाता है वो रक्सौल से भी जाता है। आप यहाँ से इजीली नेपाल जा सकते हो, मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं होगा भाई यहाँ से नेपाल, उसके पार नेपाल है भाई। बाकी यहाँ से एक लाइन अपनी सुगोली को निकल जाती है और एक निकल जाती है सीतामढ़ी को, और हमारी ट्रेन जाएगी अभी सीतामढ़ी के रास्ते। और दुनिया बदल गई लेकिन ये अपनी संस्कृति को नहीं भूले। यहाँ पे देखिए अभी भी ऐसे टांगों का उपयोग किया जाता है, बहुत कम देखने को मिलेगा भाई आपको, बहुत अच्छा सवारी होता है भाई ये। और भाई बहुत देर बाद हमें अपनी अमृत भारत की फुल स्पीड देखने को मिली है, और अपनी अमृत भारत फुल स्पीड से चल रही है अभी। तो दोस्तों अभी हम बिल्कुल नेपाल के बॉर्डर पे आ चुके हैं भाई, ये जो पार पेड़ दिख रहे हैं ना इसके पार नेपाल है भाई। तो दोस्तों चलिए अभी आपको दिखाते हैं बागमती नदी, ये देखिए अभी सीतामढ़ी आने वाला है और उससे पहले बागमती नदी देखिए भाई, ये देखिए भाई बागमती नदी इतनी तेज पार की हमारी ट्रेन है बागमती नदी। ये भी नेपाल से आती है भाई बागमती नदी। सीतामढ़ी सो अभी अपनी ट्रेन पहुंची है भाई सीतामढ़ी, और देखिए पूरे के पूरे पैसेंजर उतर चुके हैं यहाँ पे भी, इधर भी देखो पूरी ट्रेन भाई। लो भाई जो अपनी अमृत भारत थी पूरी की पूरी खाली हो चुकी है, यानी कि 80% ट्रेन खाली हो चुकी है सीतामढ़ी में। जी हाँ दोस्तों 1069 किलोमीटर का डिस्टेंस हमारी अमृत भारत ने कवर कर लिया और पहुंच चुके अपने 16वें ऑफिशियल हॉल्ट पे जो अपना सीतामढ़ी। और इस ट्रेन का यहाँ पे 5 मिनट का हॉल्ट है। बाकी दोस्तों मैं आपको बता दूँ जो अपना ये अमृत भारत है ना इसका उद्देश्य ही यही है कि दरभंगा से जाना है सीतामढ़ी और सीतामढ़ी से अयोध्या, अयोध्या से दिल्ली, भगवान श्री राम के जो भी तीर्थ स्थल है ना उनको कवर करते हुए जाती है। जैसे दिल्ली से आती है अयोध्या, अयोध्या से फिर अयोध्या पता ही आपको भगवान श्री राम की जन्मभूमि है, उसके बाद ही आती है सीतामढ़ी जो कि सीता माता की जन्मभूमि है, उसके बाद जनकपुर जहाँ से सीता माता जी राजा जनक थे यहाँ से। और देखे लोग फिर भी नहीं सुधरेंगे भाई, भाई बच्चों के साथ चढ़ रही थी भाई चलती ट्रेन, मैं पकड़ लिया अभी। और लेडीज पता है साड़ी पहनी होती है, लेडीज चढ़ नहीं पाती हैं। देखिए भाई जय सीता माता, और सारे लोग कमेंट में जय श्री राम बोलेंगे ठीक है आज। और भाई औरत गिरते गिरती बची पता है, उसको पकड़ लिया। और प्लीज़ यार लेडीज़ जो भी वीडियोस देख रही है कभी भी चलती ट्रेन में मत चढ़ा करो, चाहे 10 की स्पीड हो ना फिर भी नहीं, क्योंकि साड़ी पहनी होती है। ओके भाई, भाई जो गांव के बच्चे हैं देखो किस तरह से खुश हो रहे हैं इस ट्रेन को देख देख के भाई देखो। और ट्रेन ने अच्छी खासी रफ्तार पकड़ ली भाई सीतामढ़ी से निकलने के बाद, पहले इतनी फास्ट नहीं चल रही थी लेकिन अभी अच्छी खासी स्पीड पकड़ लिया इसने, पहले रूट का थोड़ा काम चल रहा होगा इसलिए। तो देखिए दोस्तों अभी अपनी ट्रेन गुजर रही है जनकपुर रोड से,
और जनकपुर रोड भाई आपको बता दूं, जहाँ पे राजा जनक जी थे ना, वो ये रोड गया है जनकपुर रोड। यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर जनकपुर है भाई। तो समय हो रहा है दोपहर के 2:40 और लगभग 40 मिनट की देरी के साथ हमारी अमृत भारत ने हमें पहुंचा दिया अपनी डेस्टिनेशन दरभंगा में। बाकी 2 घंटे लेट चली थी, 2 घंटे लेट जोड़ के 40 मिनट लेट है सिर्फ ये गाड़ी। और भाई इतनी बढ़िया गाड़ी है ना ये, इसने सप्त क्रांति जैसी ट्रेन को भी पीछे छोड़ दिया। सप्त क्रांति इससे 2 घंटा पहले चली थी, उसको भी इसने पीछे छोड़ दिया। बाकी फेयर भी इसका इतना ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसमें स्लीपर में यात्रा करते हो तो आपको 600 रुपये के आसपास पड़ेगा, अगर जनरल में यात्रा करते हो तो 100-200 रुपये कम लगा लो, बाकी इतना ज़्यादा फेयर नहीं है। और इसको प्रायोरिटी भाई बढ़िया मिलती है एकदम। करते हैं इस जर्नी को अब यही पे एंड। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलेंगे आपको एक और नई खूबसूरत यात्रा के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय श्री राम।